गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक आइटम ऑर्डर किया है अमेजन से। ये देखिए इसके अंदर क्या है, ये मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा है ये यूट्यूबर्स के लिए। इसकी मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। ये क्या है आप देख पा रहे होंगे, ये है ओया M1 माइक। ये बहुत ही बेस्ट और चीप है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इसका। आप अमेजन में जाके चेक कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बोया M1 माइक है, बहुत ही अच्छा है यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए। ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक बैग के अंदर पैक रहता है ये, और इसका बिल भी इसके अंदर है। इसको यूज़ करके आपको अपनी वीडियो में इसको दिखाऊंगी। इसको यूज़ करने के बाद इसमें वॉइस कैसी आती है, अभी तो इसमें बहुत क्लियर वॉइस नहीं आ रही होगी, बट इसके बाद मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी कि इसमें कैसी वॉइस आ रही है। ये इसकी वायर है, गाइज ये है बोया M1 माइक का पैकेट। इसके ऊपर एक बारकोड भी लगा हुआ है, जिसको आप वेबसाइट से चेक करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फेक प्रोडक्ट है या रियल प्रोडक्ट है। अब आगे मैं दिखाती हूँ इसका बिल। ये है इसका बिल जो कि इस पैकेट के अंदर ही था। और गाइज ये है इसका यूजर मैनुअल, इसको कैसे यूज़ करना है। तो गाइज आइए आपको दिखाते हैं बोया M1 माइक का मेन कंपोनेंट। ये है बोया M1 माइक का मेन कंपोनेंट। इसमें दो मोड हैं, अगर हम माइक को कैमरे के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो हम कैमरा मोड लगा देते हैं, और अगर स्मार्टफोन के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो स्मार्टफोन मोड लगा देते हैं। इसमें एक स्विच है जिसको कि स्वाइप करके हम ऊपर नीचे करके कैमरा और स्मार्टफोन की सेटिंग करते हैं। ये अप्रॉक्स 20 फीट की वायर है, काफ़ी लंबी वायर है इसमें। इसके अंदर हमें मिलता है एक बहुत ही मजबूत सा क्लिप, जिसको हम अपने नेक पे लगा सकते हैं माइक के साथ अटैच करके। और ये देखिए ये बहुत ही मजबूत है। और इसके साथ एक फोम भी है जो हम माइक के साथ यूज़ करते हैं। अगर हम कहीं बाहर शूट कर रहे हैं और हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो हवा को रोकने के लिए, हवा के साउंड को रोकने के लिए हम इस फोम को माइक के ऊपर यूज़ करते हैं। और इसके साथ एक सेल भी है जिसको हम माइक के साथ यूज़ करते हैं। और इसके साथ एक कनेक्टर भी दिया गया है, ये देखिए ये कनेक्टर है माइक का। ये माइक का कंडेंसर है, यहाँ पे हम सेल को इंसर्ट करते हैं। जब हमें कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करना होता है तो हम सेल को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और जब हमें स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करना होता है तो हमें सेल की कोई नीड नहीं होती है। मैं इसमें आपको प्रॉपर सेल इंसर्ट करके दिखाती हूँ कि इसमें कैसे सेल लगाना है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी बना हुआ है, उसको देख के आप इसके अंदर सेल इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारा माइक का सेल इंसर्ट हो चुका है, और ये है हमारा कनेक्टर। जब भी हम वीडियो शूट करेंगे तो इसको हम फ़ोन में इंसर्ट करेंगे, इसी से हम माइक अपना फ़ोन से कनेक्ट करेंगे। अब हम इस फोम को माइक के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं बेटर वॉइस क्वालिटी के लिए, जिससे कि हमें हवा का कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो और हम ठीक से वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। अब क्लिप के साथ हमारा माइक कम्प्लीटली रेडी हो गया है वीडियो शूट करने के लिए। अब हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और अब हम अपना वीडियो शूट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।